Uh, Meghna and Aisha, uh, wonderful to have you with us at the Times Now Summit. And the theme of today's uh, summit is that India is a vibrant democracy and a global bright spot. Do you really believe that India is a global b bright spot uh, this year, especially because of the challenges the world is facing uh, in the aftermath of the Russia Ukraine standoff? because i certainly believe that uh, india is a global bright spot. but more importantly, the world also believes that india is the global bright spot. the world recognizes india's growing strengths, recognizes our potential in the years to come, and also sees in india opportunity, both for a large market and an opportunity to help with economies of scale to become a manufacturer.

आज जो आम आदमी है आ, उसकी उसकी जद्दोजहद है एक नौकरी की पढ़ाई की रोजमर्रा की जिंदगी की इन्फ्लेशन रेट जिस तरह बढ़ता जा रहा है और जिस तरह नौकरियों की आज भी किल्लत है जितने लोग जॉब मार्केट में आते हैं एजुकेशन के बाद और उनके हिसाब से जितनी नौकरियां निकलती हैं क्या आप भारत की रियलिटी से थोड़े से दूर हैं मैं मानता हूं कि भारत की रियलिटी ये है कि जब दुनिया में लगभग एक दो परसेंट महंगाई होती थी विकसित देशों में उधर जब आज आठ परसेंट नौ परसेंट किधर ग्यारह परसेंट महंगाई है तो हाहाकार मचा हुआ है भारत में जहां साधारणतः आज से दस साल पहले बारह साल पहले डबल डिजिट में महंगाई होती थी दस बारह परसेंट महंगाई तो बड़ी आम मानी जाती थी भारत में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौदह के बाद बहुत कठोर कदम उठाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी मैंडेट किया को उनको महंगाई रोकने की उनकी प्राथमिकता रहेगी अलग अलग तरीके से महंगाई के ऊपर लगाम लगाया उसके कारण गत आठ साढ़े आठ की महंगाई की दर लगभग साढ़े चार प्रतिशत आ गई आज के दिन भी अगर आप देखें तो पिछले महीने से इस महीने महंगाई घटी है सात दशमलव चार से घटके छह दशमलव आठ हो गई है अक्टूबर में मेरा मानना है कि जिस देश में डबल डिजिट महंगाई बड़ी साधारण मानी जाती थी वहां आज लगभग आधे पे आ गई है उससे महंगाई तो लोगों लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं रिक्नाइज करते हैं लोगों के ध्यान में है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कितनी तकलीफ वाली है चाहे वो कोविड के महामारी से अभी अभी उभरा हो विश्व या यूक्रेन रशिया का युद्ध हो और लगभग जिस प्रकार से ग्लोबल फिजिकल टाइटनिंग चल रही है खासतौर पे अमेरिका और बाकी देशों में जिस प्रकार से ब्याज के दर बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से वहां महंगाई चल रही है उसके निस्बत देखे तो मुझे लगता है भारत ने फिर भी काफी संतुलित रखा है अपनी महंगाई की पिक्चर या ब्याज की पिक्चर रही बात नौकरियों की आज भी भारत में या तो जॉब क्रिएटर्स के रूप में हमारे स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप ईपीएफओ का डेटा देख लो पिछले कुछ महीनों का लगातार जॉब्स ग्रो कर रही हैं ईपीएफओ डेटा में साफ न, नजर आता है और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे सरकार भी बल दे रही है प्राइवेट सेक्टर भी बल दे रहा है मुझे लगता है कि देश भर में अलग अलग नौकरी के अवसर हैं अब आप उसको सिर्फ सरकारी नौकरी के प्रिज्म से देखोगे तो अलग बात है उसकी अपनी सीमाएं हैं उसमें भी भारत सरकार बहुत तेज वृद्धि कर रही है अभी अभी रोजगार मेला हुआ दो दिन पहले उसके पिछले महीने भी हुआ था लगभग पंद्रह लाख सरकारी नौकरियां भी आगे आने वाले बारह महीनों में लोगों को उपलब्ध होगी लेकिन आज का जो युवा है पढ़ लिख के वो अपने नए रास्ते खोजता हैं नए तरीके से अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकल रहा है पीयूष जी एक सवाल जो हमेशा उठता है कि भारत बहुत ब्राइट स्पॉट है पांचवें नंबर पर इकोनॉमी आ गई है शुरुआत ग्यारह नंबर से हुई थी जब आपकी सरकार आई थी 2014 में तो इंडिया इज ऑन द ग्रोइंग कर्व ये कहा जाता है लेकिन इसके साथ एक और रियलिटी है कि कहीं ना कहीं जीडीपी फोरकास्ट जो है वो बार बार डाउनवर्ड्स रिवाइज हो रहा है अब छह से सात फीसदी के बीच में माना जा रहा है ग्लोबल रिसेशन के दौर में आप कितने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम इस ग्रोथ रेट पर टिके रहेंगे और कितनी देर ऐसा है कि आईएमएफ या रिजर्व बैंक जो अलग अलग संस्थाएं वो परिस्थितियां देख के अपने फोरकास्ट बनाती हैं कभी कभी परिस्थिति अनुकूल होती है तो फोरकास्ट अपवर्ड भी रिवाइज होता है तो ऐसा कोई कानूनी वो नहीं है कि वो एक तरफा ही डाउनवर्ड जाते हैं आज के दिन जितनी वोलिटिलिटी है पूरे विश्व में जितनी अनसर्टेंटी है जितना ज्यादा नई नई दिक्कतें रोज सामने आती हैं उसको नजरअंदा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसको देखते हुए अलग अलग जो विशेषज्ञ होते हैं वो फोरकास्ट बनाते हैं असली पिक्चर तो एंड में आती है साल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा लेकिन मुझे लगता है जिस परिस्थिति में ग्लोबल रिसेशन लगभग मंडरा रहा है पूरे विश्व में लोगों को ग्लोबल रिसेशन दिख रहा है बड़ी बड़ी ताकतों को तकलीफ आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में भारत सात परसेंट के आसपास जब ग्रो करेगा रियल ग्रोथ नॉमिनल ग्रोथ तो उससे ज्यादा ही होगी तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है देश का मनोबल बड़ा कॉन्फिडेंस वाला है और इस आत्मविश्वास के साथ हम आगे भी बढ़ते जाएंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है लेकिन अगर दुनिया में मंदी होगी तो एज कॉमर्स मिनिस्टर क्या आप नर्वस होते हैं कि आपके एक्सपोर्ट्स का डिमांड क्या होगा एक्सपोर्ट्स नीचे आएंगे रिपल इफेक्ट होगा और हम इंसुलेट नहीं हो पाएंगे यानी कि ग्लोबल इंपैक्ट भारत पर भी पड़ेगा सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि हम कभी नर्वस नहीं होते सरकार का जिम्मेदारी है सरकार का दायित्व है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से कैलिब्रेट करे अपने काम को कैलिब्रेट करे आगे की एक्सपेक्टेशंस को और उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं सडनली ये जो अनसर्टेंटी का दौर है और खासतौर पे जब रिसेशन की बात मंदी की बात आती है विश्व स्तर पर तो स्वाभाविक है कि भारत पे भी उसका परिणाम तो पड़ेगा ही हमारे भी निर्यात में थोड़ी कमजोरी आने की संभावना है लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ अच्छी चीजें भी हैं जैसे हमारा सर्विसेज सेक्टर आईटी सेक्टर जिस तेज गति से सुधर रहा है बढ़ रहा है ग्रो कर रहा है उसमें बहुत संभावनाएं अभी भी हैं एग्रीकल्चर में हमने बहुत अच्छा काम किया है आज भी हम एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी अपनी बनाए रखे हुए हैं जिसके कारण भारत में भी तकलीफ कम है और हम विदेश को भी कई देशों को सपोर्ट कर पाते हैं इसमें भी काफी चैलेंजेस हैं। आज फर्टिलाइजर बड़ी चैलेंज थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से फोर्सी किया उसको पहले से सुनिश्चित किया कि पर्याप्त मात्रा में भारत में फर्टिलाइजर उपलब्ध हो और जो महंगी भी कीमतों पे भी खरीदना पड़ा वो किसानों के ऊपर बोझ ना डाल के हमने सुनिश्चित किया कि किसान अच्छे पैमाने पे अपना बीज बो पाए और फूड आउटपुट फूड ग्रेन आउटपुट अभी भी भारत का रिकॉर्ड होने जा रहा है इस वर्ष भी जिसके कारण देश में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी पीयूष जी आ, मुझे कुछ किस्से याद हैं कुछ वाक्य याद हैं कुछ कमेंट्स याद हैं जब आप विपक्ष में हुआ करते थे और ये कमेंट्स आते थे जब रुपए की कीमत बनाम डॉलर लुढ़क लुढ़क के लुढ़क लुढ़क के नीचे आती थी तो आप बहुत से तीर चलाते थे उस समय की सरकार जो यूपीए सरकार थी आज, आज आज आप क्या कहेंगे क्योंकि रुपया बहुत लुढ़क गया है पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि रुपए की कीमत डॉलर के निस्बत कम हुई है लेकिन बाकी सभी लगभग करेंसी के सामने रुपए एप्रिशिएट किया है चाहे वो जैपनीज येन हो यूरो हो पाउंड हो तो एक चीज तो स्पष्ट है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर सभी करेंसीज डॉलर के सामने वीक हुई है भारत कम कमजोर हुई है भारत इनफैक्ट एप्रीशिएट करी है बाकी सब इकोनॉमीज के निस्पत तो पहली बात तो ये पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति का एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस है दूसरी बात जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले होता था वो बहुत ज्यादा था क्योंकि भारत में महंगाई की दर बहुत ज्यादा थी हमारे पहले आठ वर्षों को अगर आप देखें तो सीएजीआर रुपया का डेप्रिसिएशन लगभग सवा दो टू पॉइंट फोर परसेंट के आसपास रहा जबकि पहले साढ़े तीन परसेंट सीएजीआर रुपया डिप्रिसिएट करता था तो लगातार सुधर रही थी हमारी आर्थिक स्थिति और रुपए की कीमत कंपेरेटिवली ये एक छह आठ महीने में युद्ध के कारण एक विशेष परिस्थिति रही कोविड में हम सब जानते हैं कि यूएस ने बहुत ज्यादा डॉलर्स को इकोनॉमी में डाला था पहले दो ट्रिलियन डॉलर तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने डाले लगभग 1.9 ट्रिलियन डॉलर नई सरकार ने डाले तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी थी कभी ना कभी वो टाइटनिंग करने की आवश्यकता पड़नी थी जो आज के दिन वहां का फेडरल रिजर्व कर रहा है जिसके कारण डॉलर अप्रिशिएट हुआ बाकी सब इकोनॉमी थोड़ी कमजोर हो रही है। भारत रिलेटिवली उसमें भी ब्राइट स्पॉट है कंपेयर टू दी अदर इकोनॉमी पीयूष जी इतना मार्जिन तो फिर कांग्रेस को भी दे देते थोड़ा बड़ा दिल तब भी रख लेते तब भी यूएस डॉलर से ही कंपेयर किया जाता था येन से यूरो सोते नहीं किया जाता था। नाविका जी तब हम सभी करेंसी के सामने कमजोर हो रहे थे नॉट ओनली द डॉलर पहली बात दूसरी बात तब की आप परिस्थिति याद करो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकदम कम हो गए थे जिसके कारण एक बार तो पूर्व के वित्त मंत्री को बहुत महंगे ब्याज के दरों पर एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स लेने की आवश्यकता पड़ी थी जस्ट टू अप द रूपी आर्टिफिशियली इसी के साथ साथ हमें एक फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी का दर्जा दिया गया कि विश्व में जो सबसे कमजोर पांच अर्थव्यवस्था है उसमें भारत को गिना जाता था महंगाई उस समय दस बारह प्रतिशत थी बैंक किसी को लोन देने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने इतने खराब लोन दे दिए थे पता नहीं किसके कहने पर लोन दिए जाते थे पर इतने ज्यादा खराब लोन दिए गए थे कि रिस्ट्रक्चर और एवरग्रीनिंग करने, करने की भी क्षमता उनकी खत्म हो गई थी जिसको सबको हमने सफाई छटाई करी आने के बाद बैंकों को मजबूत बनाया फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आज रिकॉर्ड लेवल पे हैं, जिसके कारण एक अर्थव्यवस्था में मजबूती है और आज फ्रेजाइल फाइव दो हजार तेरह चौदह का इकोनॉमी आज विश्व का ब्राइट स्पॉट बन गया मैं मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं कोविड के बावजूद आपको लगता है पूरी रिकवरी हुई है इंडस्ट्री में क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट 3.1 परसेंट सेप्टेम्बर में जो आंकड़े हमारे पास हैं 3.1 परसेंट से ही भरा क्या ये पोस्ट कोविड रिकवरी पूरी हो चुकी है या कितना समय लगेगा देखिए ये जहाँ तक कोविड की बात है आप यहाँ भी देख ले मुझे लगता है एक भी व्यक्ति मास्क नहीं पहने में तो कोविड और अभी एयरलाइंस में भी एक हफ्ता पहले विड्रॉ किया है तो वी आर जस्ट इमर्जिंग आउट ऑफ द ऑफ कोविड कोविड की रिकवरी से हम एकदम उभर रहे हैं अभी साथ ही साथ ये युद्ध बड़े गलत समय पे आ गया जिसके कारण ये ट्विन प्रॉब्लम्स दुनिया को उलझनी पड़ रही है मैं समझता हूं उसके बावजूद जिस प्रकार से अलग अलग स्टेप्स लिए गए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के तहत अलग अलग पैकेजेस कोविड के दौरान आए आपने देखा होगा कि पहले लॉकडाउन के बाद इतना क्विक रिकवरी हुई भारत में और फिर वो कंटिन्यूस रिकवरी चलते जा रही है तो रिकवरी पूरी हो गई या रिकवरी अभी और होनी बाकी है ये तो मैटर ऑफ परसेप्शन है पर मैं समझता हूं कि काफी मात्रा में भारत कोविड से तो उभर चुका है ये युद्ध से भी हम अच्छी तरीके से झूंझ रहे हैं और इसके साइंस देखिए द फैक्ट के हमारी ऑयल इंपोर्ट्स इतनी बड़ी है यानी कंजम्पशन बड़ी है कंजम्पशन बढ़ी है यानी लोगों के पास या तो इंडस्ट्री में डिमांड है या प्राइवेट सेक्टर लोगों के पास ताकत है कि वो तेल की वस्तु खरीद रहे तो स्वाभाविक रूप से सभी इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि भारत का कंजम्पशन भी बढ़ा है भारत की इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ी है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है तो हर इंडिकेटर यह दर्शाता है कि इंडिया इज ऑन नॉट ओनली इन द पाथ ऑफ रिकवरी बट रैपिड रिकवरी आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू ऑन ट्रेड डेफिसिट वरी यू कोई भी सरकार को ट्रेड डेफिसिट से चिंता करना आवश्यक है लेकिन आपको ट्रेड डेफिसिट के एलिमेंट स्टडी करने पड़ेंगे आज के दिन जो ट्रेड डेफिसिट बड़ा है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट है ऑयल इंपोर्ट्स और जैसा मैंने अभी अभी बताया कि ऑयल इज अ फ्यूल दैट पावर्स इकोनॉमिक रिकवरी तो क्योंकि ऑयल प्राइजेस बहुत एस्केलेट हो गए एक जमाने में 130 डॉलर तक गए थे अभी भी एस्केलेटेड लेवल्स पे होने के कारण पिछले पूरे आठ नौ दस महीने में जो हमारी डेफिसिट बढ़ी है उसका कारण साधारणता मेजर कारण ऑयल इम्पोर्ट रहा है इसके साथ साथ हमने जो एडिबल ऑयल्स है उसका भी इम्पोर्ट बढ़ते हुए देखा है यानी कंजम्पशन बरकरार है लोगों की कंजम्पशन पैटर्न्स में कोई चेंज नहीं आए ये दोनों एक तरीके से पॉजिटिव साइंस भी है इकोनॉमिक रिकवरी के दूसरी बात यह है कि जो हमारी ट्रेड इम्पोर्ट बास्केट है उसमें ज्यादा कॉम्पोनेंट रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का है जो आज के दिन हम इम्पोर्ट देख रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स और कैपिटल गुड्स की जो इंपोर्ट बढ़ रही है वो दर्शाता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी और इन्वेस्टमेंट दोनों में बढ़त हो रही है और ये बाकी इंडिकेटर्स भी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ रही है जिसके कारण कैपिटल इम्पोर्ट होना स्वाभाविक भी है और देश के लिए अच्छा भी है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिगर्स हम देखें तो साधारणतः सभी इंडस्ट्री में आज 80 परसेंट के ऊपर चली गई है ये स्पर करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्योंकि लोगों को दिखेगा कि अब डिमांड भारत में गुड्स एंड सर्विसेज की है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा फिर सर्विस सेक्टर में हमारा लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है एक्सपोर्ट्स की तो ये सब साइंस बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जरूर ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है पर चूंकि हमने रिकॉर्ड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व एक्यूमुलेट किए थे एक पॉइंट पे छ बिलियन डॉलर तक पहुंच गए थे अब भी पिछले हफ्ते में भी शायद साढ़े दशमलव सात बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़े हैं। तो ट्रेजेक्ट्री ठीक चल रही है कंट्रोल में है और आगे चल के अर्थव्यवस्था को और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ाएगी एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए जब कोविड के बाद चाइना पर लोगों का थोड़ा सा रवैया क्वेश्चनिंग हो गया था और पूरे विश्व का एक जो प्रोडक्शन बास्केट डेस्टिनेशन चीन बन गया था उससे लोग थोड़ा परहेज करने लगे इसमें इंडिया इस ऑपरचुनिटी को कितनी तरीके से अपने फेवर में खींच पाया है देखिए ये प्रोसेस होता है जब कोई इंडस्ट्री सोचती है कि अभी मुझे फ्रेंच शोरिंग करना है या दूसरे देशों में अपना निवेश करना है तो वो ओवरनाइट स्विच नहीं होता है जो सप्लाई चेन्स चल रही हैं जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसमें आदमी इट्स अ प्रोसेस एक्सरसाइज सालों लगते हैं व्यक्ति को तय करने के लिए नया प्लांट में कहा लगाऊंगा किस चीज का लगाऊंगा उसको लगाने में भी समय लगता है आफ्टर ऑल इतने बड़े बड़े निवेश 20 बिलियन डॉलर का निवेश अगर सेवाई कंडक्टर में एक कंपनी लगाने जा रही है ऐसे ही मोबाइल फोन्स की दो से बढ़ के दो सौ फैक्ट्री मोबाइल फोन और उसके इकोसिस्टम की आज भारत में आ गई है जो आईफोन 14 अभी अभी लॉन्च हुआ है उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में है तो ये सब साइंस है कि लोग भारत की तरफ देख रहे हैं भारत में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहते हैं भारत को रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं और इसकी सबसे बड़ी जो हमारी पॉजिटिव एलिमेंट है वो दो है एक हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है स्टेबल सोबर प्रेडिक्टिव पॉलिसीज डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास एक यूथ यूथफुल पॉपुलेशन अगले तीस वर्ष तक सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन भारत में रहने वाली है तो एक तरफ तो ये पॉजिटिव है दूसरी तरफ आज देश में और खासतौर पे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है और जो सबसे लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं हमने अभी अभी जी ट्वेंटी में देखा किस प्रकार का अट्रैक्टिव अट्रैक्शन था सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चर्चा करना बात करना उल्टे जी ट्वेंटी में साल भर इंडोनेशिया में कोई भी मिनिस्टेरियल का कम्युनिकेट नहीं निकल पाया क्योंकि सहमति नहीं बन पाई थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके जो एक प्रकार से दिशा दिखाई कि न्यूक्लियर सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन दिस इज नॉट द ऑफ वॉर और डायलॉग और डिप्लोमेसी से चीजों का हल निकालना पड़ेगा ये तीन मूल मंत्र पे फाइनली एक कम्युनिकी निकल पाया जी ट्वेंटी में तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा रेकग्नेशन है भारत की उभरती हुई ताकत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी का विश्वसनीयता का और लोकप्रियता का लेकिन उसी जी ट्वेंटी में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि जो इंडिया यूके ट्रेड डील है उस पर थोड़ी सी समय और लगेगा और वो स्लो डाउन करेंगे इस प्रोसेस को और रीनेगोशिएट करेंगे टर्म्स को क्या ये सेटबैक नहीं है नहीं ये वर्ड जो भी आपने कहे ये एक्चुअली उन्होंने कहे ही नहीं है तो आप जरा एक बार जो उनका रीड आउट है फ्रॉम द यूके साइड उसको एक बार और पुनः स्टडी कर लें नहीं तो अमित भाई की तरह मुझे भी टाइम्स नाउ के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं टाइम्स नाउ पर आप, आपको टिप्पणी करने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन सवाल यह है कि अब तक वो डील साइन नहीं, नहीं नहीं, नहीं, डील तो देखिए कभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दबाजी में या टाइम डेडलाइंस के हिसाब से नेगोशिएट नहीं होता है हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने पैरों पर खड़ा होता है उसमें दोनों तरफ लोग नेगोशिएट हार्ड करते हैं विन विन सोल्यूशन निकालना चाहते हैं और भारत भी कभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दबाजी में नहीं करता है सोची समझी रणनीति होती है पचास साल आगे तक के लिए सोचना पड़ता है यू हैव टू क्रिस्टल गेज द फ्यूचर और अपने हितों के लिए संघर्ष करना पड़ता है दोनों तरफ अपने अपने हितों की बात होती है यूके में आपने देखा तीन एक महीने तक तो काफी पॉलिटिकल राजनीतिक तो फ्लक्स भी रहा जिसके कारण हम भी थोड़ा देख रहे थे कि स्थिति कैसे वहां इमर्ज करती है और रीनेगोशिएशन का सवाल ही नहीं है जब नेगोशिएशन ही पूरा नहीं हुआ एवरीथिंग इज ऑन द टेबल एंड आपकी जानकारी के लिए जब तक यू डोंट साइन ऑन द फाइनल डॉटेड लाइन तब तक एवरीथिंग इज ओपन बट ही सेक्रीफाइस क्वालिटी फॉर स्पीडी विल यू थिंक इंडिया विल क्वालिटी फॉर स्पीड और अगर हमें वो करना होता तो फिर तो जैसे 2008 हजार आठ नौ दस के पीरियड में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते थे जिसमें ना कोई स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन ना देश की आगे की परिस्थितियों के हिसाब से किस देश को कितना देना किस देश से कितना लेना इन सब चीजों की पूरी गहराई से समझ के बगैर कुछ फ्री ट्रेड डील किए गए हैं पहले जिसका कुछ मात्रा में हमें तकलीफ हो रही है आज भी इंडस्ट्री के लोग आज भी मेरे पास आके कहते हैं कि पुरानी डील्स को रीनेगोशिएट करिए किसी तरीके से हमको उसे तकलीफ से बचाइए लेकिन मैं समझता हूँ मोदी जी के काम करने के ढंग में जो एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से उभरती है वो देश हित और जनहित और इंडस्ट्री और बिजनेस के हित की एग्रीमेंट्स किए जाते हैं लेकिन लोगों में एक बहुत दिलचस्पी है ये जानने की ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के प्योरली फ्रॉम अ ले इंडियन बना है प्राइम मिनिस्टर यू थिंक आपको लगता है कि ट्रेड डील नेगोशिएशन में इसका कोई असर होता है मैं मानता हूँ कि हमने रिकॉगनाइज करना चाहिए प्रधानमंत्री यूके के ऋषि सुनक जी को यूके की चिंता करनी है उनको यूके की प्राथमिकताएं यूके की रिक्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है और वो वहां के सिटीजन होने के नाते चाहे मूल उनका भारतीय क्यों ना हो उनका दायित्व उनके देश के प्रति है और रहना चाहिए जैसे कि हमारा दायित्व हमारे देश के प्रति है और दोनों अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे मैं नहीं मानता हूं कि वो किस मूल से हैं उससे कोई भी नेगोशिएशन में फर्क पड़ेगा पीयूष जी आ, हमने अर्थव्यवस्था की ट्रेड की बहुत बात की आ, लेकिन आ, इस देश में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है, वो है बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स आ, और ये है क्योंकि इस देश में बारह महीने कोई ना कोई चुनाव चल रहे होते हैं और आज सुबह भी इस बात पर चर्चा हुई कि जनरल इलेक्शन शायद पांच साल में एक बार आता है लेकिन राज्यों के चुनाव हो म्यूनिसिपल चुनाव हो बीजेपी हर चुनाव में ऐसे स्टेक्स बना देती है कि ऐसे लगता है कि 12 महीने कोई ना कोई चुनाव चल रहा है और लड़ाई झोंक बस सड़कों पर हो रही है तो इस बार की लड़ाई किससे है कहां कहां है और चुनाव का नतीजा क्या होगा सबसे पहली बात तो ये आप लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है हमारे लिए तो सेवा का माध्यम है तो चुनाव होना चुनाव में हार जीत होना चुनाव के लिए काम करना हम समझते हैं हमारा राजनीतिज्ञ होने के नाते एक दायित्व भी है और एक सेवा का मौका जनता देती है जिसका फिर हम पूरा पांच साल काम करते हैं बिजनेस आपके लिए है हमारे लिए नहीं है पहली बात और कुछ और पार्टीज के लिए हो सकता है जो आजकल देखने को मिल रहे हैं नॉट फॉर द भारतीय जनता बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली wow. बताएं। आई डोंट नो मुझे लगता है कुछ पार्टीज तो शराब में भी घोटाला कर लेती हैं, कुछ पार्टीज हर चीज में बिजनेस ढूंढने की कोशिश करती हैं। हमारी पार्टी ने राजनीति को एक सेवा का माध्यम शुरू से ही रखा है जब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को बनाया कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का बीड़ा उठा के जो काम शुरू किया और हम आज तक अपने एजेंडा से कभी अलग नहीं हुए जो 1950s में हमारी एजेंडा थी वो एजेंडा को लेके देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना देश को एक विकसित देश बनाना देश की अखंडता और एकता को सुरक्षित रखना जिसमें कश्मीर को देश के साथ जोड़ना एक बड़ी प्राथमिकता थी अब तो राम मंदिर का काम भी तेज गति से चल रहा है तो अगले साल तक राम मंदिर भी तैयार हो जाएगा ज्ञानवापी वो कोर्ट के सामने है कोर्ट उस फाइनल निर्णय लेगा हमारी आस्था जरूर जुड़ी हुई है काशी विश्वनाथ के साथ उसमें कोई दो नहीं है। पर वो कोर्ट कोर्ट का मामला इस फाइनल निर्णय लेगा लेकिन इतना जरूर बता दो कि जब काशी जाते हैं और जो नया काशी में बना कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया वो देखते हैं तो वास्तव में सीना चौड़ा होता है कि ये देश अपने इतिहास को फिर एक बार पुनः स्थापित कर रहे अपने धरोहर के साथ जो खिलवाड़ हुआ और जो आजादी के बाद सड़सठ वर्षों तक सरकारें आई और गई और किन्होंने किसी ने चिंता नहीं की किसी ने इन चीजों के बारे में देश की इतिहास को एक प्रकार से भूलने की कोशिश की उसको जो हम फिर एक बार देश के सामने ला पा रहे हैं उससे बहुत संतुष्टि होती है पर चुनाव में मेहनत करना चुनाव को सीरियसली लेना ये तो मैं समझता हूं स्वाभाविक है जैसे आप अपना काम एज एन एंकर सीरियसली करते हैं जैसे आप चुनाव के दिनों में चुनाव में क्या हो रहा है उस पर नजर रखे रहते हैं हमको भी चुनाव तो अच्छी तरह लड़ना पड़ता है और हम उसको पूरी तरीके से लड़ते हैं जीतते हैं जिससे जनता को डबल इंजन सरकार से हम सेवा कर पाए नहीं आप बार बार सेवा पर बहुत महत्व डाल रहे हैं यानी कि सत्ता कोई चीज नहीं होती आप देश को बता रहे हैं कि सिर्फ सेवा और स्पिरिचुअलिटी सत्ता कुछ नहीं होता देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे लगता है जब हमें से मैं भी जब कार्यकर्ता के रूप में निकला और एक प्रकार से शुरुआत के दिन थे भारतीय जनता पार्टी के तब हमारे दो एमपी थे सर। वेंकैया नायडू जी ने भी जो पूर्व के उपराष्ट्रपति है उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया कि जब वो राजनीति से जुड़ना चाह रहे थे तो उनके आसपास आंध्र प्रदेश में थे नेलोर में थे सभी ने उनका मजाक उड़ाया कि आप ये जनसंघ में कहा जाके काम कर रहे हो तब जनसंखे जनसंघ का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है कांग्रेस ज्वाइन करिए या तब शायद एन की पार्टी शुरू ही हुई थी ऐसे लोगों को ज्वाइन करिए जहां सत्ता मिल सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये अटल विश्वास रहा है थ्रू आउट कि हमने सत्ता की राजनीति नहीं करनी है हमने सेवा की राजनीति करनी है नहीं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो मंत्री थे मंत्री पद छोड़ के की सर, जी की सरकार में मंत्री पद छोड़ के उन्होंने जनसंघ की स्थापना की कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपना जीवन निचावर कर दिया दीनदयाल उपाध्याय जी का भी बहुत ही बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की गई थी ट्रेन के अंदर तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक सेवा का माध्यम रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया तब कभी सपने में भी किसी के ध्यान में नहीं था कि हमारी पार्टी कभी सत्ता में आ सकती है मैं समझता हूं कि ये सभी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने कभी भी सत्ता को प्राथमिकता नहीं दी सेवा को ही हम सबके अंदर भी यही सिखाया कि सेवा की राजनीति करनी है और सेवा के माध्यम से देश को उज्जवल बनाना और राहुल गांधी कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा पर आपके क्या विचार है मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है क्योंकि जयराम रमेश जी का मैं हाल में ट्वीट देख रहा था वो स्वयं कह रहे हैं कि सत्ता के लोभ में हम पार्टी और जनता डिसकनेक्ट हो गई थी उनका हाल में तीन चार छह दिन पहले एक ट्वीट में पढ़ रहा था कि वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट डोर टू डोर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द भारत जोड़ो यात्रा वी गॉड लॉस उन्होंने कुछ शब्द यूज किया है कि पावर की वजह से ये हमने इस बात को छोड़ दिया था अब जरा कोई जयराम रमेश का ट्वीट देखे या ट्विटर हैंडल देखे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है कि हमने पावर की वजह से वी आर डिस्कनेक्टेड विद द पीपल अब हम पुनः डोर टू तो डोर जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से तो एक प्रकार से उन्होंने स्वयं ही ये कबूल कर दिया कि वो अपनी पार्टी को जोड़ने के चक्कर में भारत तो बड़ा सुरक्षित है भारत कोई टूट कोई तकलीफ में नहीं है पूरा भारत एकजुट है प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को कहा था एकता और एकजुटता भारत की हम सबकी प्राथमिकता है हम सबका कर्तव्य है तो मैं समझता हूं ये कांग्रेस बचाने के लिए या कांग्रेस जोड़ने के लिए और जनता के पास फिर एक बार अपनी रेलेवेंस बनाने का काम जो राहुल जी कर रहे हैं वो स्वागत के योग्य है और अच्छा रहेगा कि वो थोड़ा और मेहनत करें बजाय के हिमाचल में चुनाव हो रहा हो और उनका सर्वे सर जो सर्वोच्च नेता है वो हिमाचल जाए ही नहीं गुजरात में चुनाव हो रहा है और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात को छोड़ के अलग रास्ता ढूंढ रही है और दो सभाओं के लिए उनका सीनियर मोस्ट नेता अगर गुजरात जाए तो मुझे नहीं मालूम वो क्या भविष्य और कैसे अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे पर राहुल तो गांधी ने तो कहा था कि सत्ता जहर होती है तो शायद शायद वो इस वजह से नहीं जा रहे हैं पर इसकी वजह से आपके लिए कुछ मुश्किलें तो नहीं बढ़ गई क्योंकि आम आदमी पार्टी आपके सामने <laughs> आ गई है और दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी आपको चुनौती दे रही है ऐसा है पार्टी बनाने के लिए पार्टी का प्रचार करने के लिए पूरे देश और प्रदेश में और लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत मेहनत लगती है बहुत काम करना पड़ता है बहुत विश्वसनीयता बनानी पड़ती है टेलीविजन चैनल्स पे आके स्टेटमेंट देने से या दो तीन शहरों में सिर्फ वक्तव्य देने से पार्टी खड़ी नहीं होती है मैं भी गुजरात में बहुत गया हूं इंटीरियर्स में गया हूं किसानों से मिला हूं पाटन हो महसाना हो सोमनाथ हो शहरों में भी राजकोट बड़ोड़ा वडोदरा सूरत अहमदाबाद अलग अलग जगह पे जाने का मौका मिला जो लोकप्रियता जो प्यार जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भारतीय जनता पार्टी पे गुजरात की जनता है वो ऐतिहासिक है देखने लायक और वैसे ही ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में आने जा रही है ये कांग्रेस अपना मेहनत कर रही है पूरे प्रदेश में उनका कुछ इलाकों में प्रभाव पहले रहा है वहां पे उनके लोग मेहनत कर रहे हैं हम स्वागत करते हैं हम लड़ाई में सभी का स्वागत करते हैं पर लगभग एक तरफा गुजरात में आज भारतीय जनता पार्टी की लहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता भी है जो विश्वसनीयता है जिस इलाके में चले जाओ गुजरात में मोदी जी के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के गत 25-27 वर्षों के काम पे लोगों को अटल अटूट विश्वास है पीयूष जी आप शब्दों में हमेशा बहुत बहुत माहिर रहे हैं और आपने हर शब्द का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी रखती है अस्तित्व गुजरात में आप बार बार आम आदमी पार्टी को डिस्काउंट क्यों कर देते हैं? ऐसा है कि वो उत्तर प्रदेश में भी लड़े थे लगभग सभी जगह उनका डिपॉजिट चला गया वहां पे भी क्लेम कर रहे थे कि वो सरकार बनाने वाले हैं पंजाब की बात कर वैसा क्लेम उन्होंने हरियाणा में किया था वैसा ही क्लेम हाल में उत्तराखंड में किया था तो तो क्लेम करने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है कोई मेहनत भी नहीं लगती है क्लेम तो किधर भी कुछ भी कर लो जाके तो मैं समझता हूं कि गुजरात में भी ये इसी प्रकार का उनका हाल होने वाला है गुजरात में भी लगभग दे विल बी लेफ्ट विद जीरो सीट्स ऐसा नीचे के स्तर पे अनुमान देखने को मिलता है चलिए तो फिर गुजरात चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ के चुनाव के बाद आपसे फिर बातचीत होगी मुझसे भी करना और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पूछना याद से कि वो क्या हुआ आपके बड़े बड़े क्लेम्स का क्योंकि फिर उसके बाद तो आप लोग भी पूछते नहीं और वो भी खिसक जाते हम आज, तो आज तक, हैं तो आपसे पंजाब की बात आज से आप जवाब नहीं दे रहे नहीं पंजाब में अगर कांग्रेस एकदम वीक हो गई और आपने देखा कांग्रेस भी किस प्रकार का नेतृत्व वहां पे ऑफर कर रही थी तो वो उन दोनों की लड़ाई थी भाजपा तो पंजाब में पहले भी कभी रेलिवेंट नहीं थी लड़ाई में अब हम वहां पे ग्रो कर रहे हैं और अगले चुनाव में अब बीजेपी रेलेवेंट हो जाएगी पंजाब में तो अब कांग्रेस ने सीड कर दी पूरी स्पेस तो सवाल तो आपको कांग्रेस को पूछना पड़ेगा गुजरात में भाजपा है भाजपा अपनी स्पेस सीड नहीं कर रहे अपनी स्पेस बढ़ा रहे दिनों दिन पीयूष गोयल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर बिल्कुल सीधे बैट से बैटिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एट द टाइम्स नाउ समे